सो गाइज, आपको मोटिवेशनल कंटेंट बनाना है, वो भी बड़े क्रिएटर के जैसे, जैसे कुल मित्रा, मन की आवाज़, प्रेरणा मैम, दीपक दहिया जैसे बड़े यूट्यूबर के जैसे दोस्तों। लेकिन आपको नहीं पता कि कंटेंट कहाँ से लाएं, इमेजेस कैसे डाउनलोड करें, बैकग्राउंड म्यूजिक उनके जैसी बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में किस तरीके से हम डाउनलोड करके लगाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप इसको पूरी तरीके से सीख सको। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि हमें इस वीडियो को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो पहला, सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा होगा कंटेंट का, कि हम पहले तो कंटेंट कहाँ से लाएं। दोस्तों, कंटेंट के लिए मोटिवेशनल कंटेंट्स और कहानियों के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है न्यूज़पेपर। दैनिक भास्कर और पत्रिका जैसे न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स और कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आएगा आपके पास, प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जिसको डाउनलोड करके आप वहाँ से कोटेज, कहानियाँ और जो उससे रिलेटेड आप कहानियाँ बनाने चाहते हैं वो मिल जाएंगी। तीसरा जो सबसे बेस्ट जगह है वो है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ऐसे कई सारे पेजेस हैं जिनको फॉलो करके आप मोटिवेशनल कोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं हमारे अगले रिक्वायरमेंट की। दोस्तों, हमारा अगला रिक्वायरमेंट है इमेजेस का। जब आप बनाएंगे तो उसके लिए इमेजेस और वीडियोस तो लगेंगी। तो इमेजेस के लिए हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं Pixabay.com। Pixabay.com एक जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ पर रॉयल्टी फ्री इमेजेस आप यूज कर सकते हैं अपने कोटेज और कहानियों के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छी HD क्वालिटी में वहाँ से आपको इमेजेस मिल जाती हैं। तो बढ़ेंगे अपने अगले रिक्वायरमेंट की तरफ, जो हमारा होगा बैकग्राउंड म्यूजिक का। हम किसी भी यूट्यूबर का सेम बैकग्राउंड म्यूजिक अपने वीडियो में किस तरीके से यूज करें, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी हम बात कर लेते हैं कि हम अपने ऑडियो को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑडियो रिकॉर्डर होना चाहिए। मैंने अभी तक जितने ऑडियो रिकॉर्डर यूज किए हैं उसमें से एक मुझे सबसे बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर लगता है जिस पे मैंने वीडियो बनाया है। आई बटन में लिंक दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में वो मिल जाएगा। उसमें आप अगर अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो तो उसमें क्लियर नॉइस के साथ रहती है, जो आपकी नॉइस उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, अपने बेस लेवल को बढ़ा सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में उसमें ऑडियो रिकॉर्ड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रिक्वायरमेंट की तरफ। हमारा अगला रिक्वायरमेंट होगा एक एडिटर, और इस वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं काइन मास्टर ऐप का। तो चलिए एक सैम्पल वीडियो देखते हैं कि आप किस तरीके का वीडियो इसमें बनाना सीखेंगे। अच्छे काम करते रहिए, लोग तारीफ करें या ना करें, आधे से ज्यादा दुनिया सोती रहती है तभी भी सूरज निकलता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। सो हे गाइज, अपना काइन मास्टर ऐप आप ओपन कर लीजिए। काइन मास्टर ओपन करने के बाद मीडिया पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद उसको आगे तक खींच दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी इमेज आपने डाउनलोड की है उसको ऐड कर लीजिए। मैं ये इमेज का थोड़ा ही पार्ट अपने इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको ओके कर देता हूँ और इस इमेज को भी मैं लास्ट तक खींच लूँगा। इसके बाद लेयर के ऑप्शन से आप ओवरले का ऑप्शन देख रहे हैं। ओवरले में हम इसमें सबलाइम स्पार्क्स हैं उसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको भी हम पूरा लास्ट तक खींच देंगे। देन अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा डाउन नीचे साइड करेंगे और इसकी अल्फ़ा ओपेसिटी को थोड़ा हम कम कर देंगे। इसको ओके कर देंगे। देन ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना
सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक को हम सेलेक्ट कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद इसके वॉल्यूम को हम कम कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम अगर ज़्यादा रहेगा तो आपकी आवाज़ कम आएगी, तो इसको हम 50 के नीचे रख देंगे, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 3 सेकेंड के बाद हम अपने ऑडियो को ऐड करेंगे, जो ऑडियो को हमने अपने ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हुआ था, तो उस ऑडियो को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऑडियो ऐड करने के बाद अगर उसमें ट्रिम करने की आवश्यकता है तो पहले अपने ऑडियो को ट्रिम कर लीजिए। ऑडियो को ट्रिम करके इसको थोड़ा सा आगे ऐड कर दीजिए। सो अब पहले आप देख लीजिए कि आपका ऑडियो और आपने जो बैकग्राउंड और ये अभी जो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है वो किस तरीके से दिख रहा है। पहले तो अच्छे काम करते रहिए। ओके, लोग सो 3 सेकेंड के बाद आपकी वॉइस आनी शुरू होगी। अब यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को ऐड करना शुरू करिए। लेयर के ऑप्शन पे जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिखिए। अच्छे काम करते रहिए, लोग तारीफ करें ना करें, तारीफ करें या ना करें। उसके बाद इसको इंटर करके नीचे आ जाइए। आधी दुनिया सोती रहती है, आधी दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उदय होता है, फिर भी सूरज निकलता है। सूरज निकलता ओके सो लिखने के बाद इसको ओके कर दीजिए और इसको ए के ऑप्शन से हम यहाँ पे इसके फॉन्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, इसके कलर को चेंज कर देंगे, ओके कर देंगे, इसको येलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। अब इन एनिमेशन में इसको हम लेटर बाय लेटर का ऑप्शन देंगे और इसको हम 3.0 पे रखेंगे। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम अपने वॉइस को और इस टेक्स्ट को मैच करेंगे। अच्छे काम करते रहिए, लोग तारीफ करें या ना करें, आधे से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, तभी भी सूरज निकलता है। ओके, देन उसके बाद निकलता है नेक्स्ट टेक्स्ट को ऐड करेंगे। नसीब जिन नेक्स्ट टेक्स्ट को सिर्फ टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को लिखेंगे, नसीब जिनके, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, होते हैं। फिर से इंटर करके नीचे आएंगे, इम्तिहान, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। सो इसको भी ओके कर देंगे। फिर सेम इसको ए के ऑप्शन में यहाँ से टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। और कलर आप चाहिए तो चेंज करिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कलर को देख के रखिए। उसके बाद फिर से इसके इन इमेज को चाहिए तो आप
पॉप कर दीजिए और यहाँ से इसको 3.0 कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका वीडियो ओके होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिए। अच्छे काम करते रहिए, लोग तारीफ करें या ना करें, आधे से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है तभी भी सूरज निकलता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त। सो गाइस, उसके बाद आपको यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दीजिए। अब बात करते हैं आपको किसी यूट्यूबर के बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। सो दोस्तों, अगर म्यूजिक आपको चाहिए तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये मेरा एक वीडियो है, मेरे वीडियो के नीचे मैंने जिस भी क्रिएटर का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है, मैंने वहाँ पर उसकी लिंक दी हुई है। तो आपको जिस भी यूट्यूबर का बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आता है, आप उनके चैनल पर जाइए, वहाँ से उनके डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन से आपको वो लिंक मिल जाएगी। उन वीडियो को फॉलो करते हुए उस वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अपने वीडियो में यूज करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसा इन्होंने क्रेडिट दिया है उसी तरीके से आप भी अपने वीडियो में क्रेडिट देना ना भूलना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को प्यार, नमस्कार।